iPhone 13 product red. Welcome back guys. आज हमें देखना है कि iPhone latest iPhone 13 कितना durable है. अब चूंकि iPhone है वैसा नहीं है कि हम इसके साथ differentiation करेंगे. हम सभी steps वैसे ही perform करेंगे. Phone चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, obviously उसको solid और durable होना चाहिए. अब as you know, iPhones IP68 certified और 67 certified होते हैं. जब फ़ोन में ऐसा सर्टिफिकेशन होता है तो हम थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करते हैं. इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्प्लैश टेस्ट के हम फ़ोन को कंप्लीट 12 आवर्स फ्रीज करते हैं. लास्ट ईयर हमने ये सेम टेस्ट आईफोन SE 2 के साथ परफॉर्म किया था और फ़ोन अभी भी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में. एंड फ़ोन ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है बिकॉज वो भी डीप फ्रीज कंडीशन में है. चलिए फ़ोन को मैं बाहर निकालता हूँ, देन हम देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, ये रहा आईफोन 13 कम्प्लीटली फ्रीज कंडीशन में. अब इस तरीके से इसको निकालना रियली डिफ़िकल्ट है और डेंजरस भी होता है. एक बार मैंने ये बॉल ऐसे तोड़ दिया था और एक बार मैंने गलती से फ़ोन पे भी ऐसे प्रेस कर दिया था. तो बेस्ट वे क्या, आप इसको किसी भी वाटर बकेट में जाके छोड़ दीजिए, 5 मिनट में अपने आप फ़ोन बाहर चला आता है. वैसे ये करने में मज़ा बहुत आती है, यू नो, बर्फ़ काटने में. सो ये रहा फ़ोन, लेट्स क्लीन इट. अभी मैंने एक्चुअली इसको पावर ऑफ पर रखा है. अगर आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट्स द पॉइंट फ़ोन को फ्रीज करने का, आई नो, बट यू गाइस नो हम थोड़ा सा एक्सट्रीम करते हैं. एटलीस्ट इट्स गुड टू नो कि आपका फ़ोन कितना केपेबल है, एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर सकता है. एंड बाय द वे, अगर आप साइबेरिया या रशिया में रहते हैं और ग्रीनलैंड मे बी, हु नोस, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रोजन रहता है, एटलीस्ट इट्स गुड टू नो कि आपका फ़ोन वहाँ पर काम करेगा. चलिए फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. वाओ, एप्पल लोगो. सो ये रहा फ़ोन. मैंने ऑलरेडी पासवर्ड इंटर कर रखा है. सो फेस आईडी वर्किंग, दैट मींस ऑल द फ्रंट सेंसर्स आर ओके. वॉल्यूम बटन आल्सो ओके. पावर बटन परफेक्टली कूल, ये सब बटन. एंड या ये सभी चीज़ें भी वर्क करनी चाहिए. वैसे आपने देखा है कि लिक्विड डैमेज में थोड़ा सा समय लग सकता है. सो हम वेट करते हैं, टेस्ट को प्रोसीड करते हैं. हु नोस टिल द टॉप टेस्ट, इन केस कुछ होना हो तो वो ऑलरेडी नज़र आ जाएगा. रेड फोन एंड द रेड नाइफ, डेंजरस कॉम्बिनेशन. आईफोन 13 और 13 मिनी में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिलना चाहिए. मोस्ट लाइकली अगर आप 13 प्रो और एंड प्रो मैक्स में आते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप ऑफ फ्रेम के स्क्रैचेस में. एल्युमिनियम फ्रेम विथ अ पेंट जॉब ऑन द टॉप, एंटीना वायर्स एंड नथिंग, बट एक्चुअली पेंट थोड़ा सा टफ है. बटन भी मेटल के बने हैं, मोस्टली एल्युमिनियम 7000, और उस पर पेंट जॉब है. क्या बटन एक्सीडेंटली या इंटेंशनली प्रेशर लगाने से बाहर आएंगे? आई डोंट थिंक सो. म्यूट स्विच, एके अलर्ट स्लाइडर, ये भी मेटल का बना हुआ है. नॉट कमिंग आउट. पावर बटन, मेड फ्रॉम मेटल, और उसके ऊपर एक पेंट जॉब है, जस्ट लाइक वॉल्यूम बटन. पावर बटन भी काफ़ी टाइट लगे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं. सिम ट्रे कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है, देयर इज नो प्लास्टिक इन्वॉल्व. अब चूंकि ये मेटल का बना हुआ है इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है. How about the earpiece grill? Made from metal, hopefully aluminium, not the plastic. Rear camera पे थोड़ा सा different design है. Actually ये जो glass है itself थोड़ा सा protrude होके इस camera पे हमको cover कर रहा है. On the Android generally आप देखेंगे या other manufacturers में mostly यहाँ पे metal का या plastic का एक फ्रेम लगाया जाता है, समटाइम्स ग्लास ऑल्सो, बट यहाँ पे ये एक्चुअली ऑन द टॉप कवर कर रहा है. इट्सेल्फ
कैमरा लेंस के अराउंड जो फ्रेम है वो मेटल का है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो फ्रेम है, एंड उसके ऊपर एक रेड पेंट जॉब है। यहाँ पे एप्पल कॉर्निंग के पार्टनरशिप से एक डिफरेंट ग्लास डेवलप करता है जिसको सिरामिक शील्ड कहा जाता है, वो इस डिस्प्ले पे यूज़ किया जाता है। और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट यूनिक और क्वाइट बेटर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्मार्टफोन वर्ल्ड के। यहाँ पे लेवल 6 तक कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। लेवल 7 पे बहुत ही फाइन हेयर लाइन स्क्रैचेस हैं जो कि ईजिली विजिबल भी नहीं है अगर आप नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे। लेवल 8 पे यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़े से डीपर स्क्रैचेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आप अपने घर में कैरी करते हैं मेटल का, उनसे आपके इस डिस्प्ले पे मोस्ट लाइकली कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यस ऑब्वियसली सिलिकॉन कार्बाइड डायमंड एंड अदर स्टफ्स लाइक सैंड, इनसे आपके डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। और अगर हम रियर पैनल पे चेक करें, यहाँ पे स्क्रैच के पैटर्न देखें, तो क्वाइट स्टैंडर्ड जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा कि कॉर्निंग ग्लास में होता है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास के पार्टिकल, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, ये सभी आपके इस बैक पैनल को स्क्रैच कर सकते हैं। ऑब्वियसली सैंड से भी आपके बैक पैनल पे स्क्रैच पड़ सकता है। और कैमरे के अराउंड यहाँ पे जो एक कैमरा बम दिया गया है, आई डोंट नो उसका मटेरियल क्या है, लेकिन वहाँ पे भी स्क्रैचेस लेवल 5 से पड़ जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट आपके इस जो कैमरे बम्प है उसको आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। चलिए बेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे फ़ोन काफ़ी सॉलिड है, कोई इश्यूज होने नहीं चाहिए बेन टेस्ट में। चलिए स्क्रीन साइज से फर्स्ट हम बेन करते हैं। 3, 2, 1 बहुत ही माइनर सा फ्लेक्स है, आई डोंट थिंक सो उससे कुछ इश्यूज होनी चाहिए। रियली स्ट्रांग चेसिस, कुछ भी यहाँ पे बेंड में प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है अगर हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं। ऑलराइट, रियर साइड, 3, 2, 1 परफेक्ट, नो इश्यूज। क्योंकि फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल 6.5 और 6.7 इंचेस के। एतलास का इस सीरीज ब्रॉड टेस्ट परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ग्लास में। स्क्रैच टेस्ट में तो ये अनबिलीवेबल है, होपफुली ड्रॉड टेस्ट में भी बेटर होगा। बट एज यू नो, जैसे इन केस फ़ोन यहाँ पास कर जाता है, देन वी विल डू ए मेगा ड्रॉड टेस्ट, होपफुली सैमसंग प्रीमियम, वन प्लस प्रीमियम। आप भी बता सकते हैं कौन सा फ़ोन हम और कंसिडर कर सकते हैं। तो ड्रॉप करते हैं अपने यूजुअल ड्रॉप टेस्ट सेटअप पे, जहां हम सभी फ़ोन्स को ट्राई करते हैं। 2 feet यूजुअल हाइट, बॉटम साइड, वाओ, ओह, डेंजरस साउंड, हियर इज द डेंट, परफेक्टली वर्किंग। ओके, कैमरा साइड, 2 feet height, flat impact, complete. Rear side, 2 feet, perfect. Display is also okay. Display side, 2 feet height. Yep, परफेक्ट, नो इश्यूज। एक कॉर्नर इम्पैक्ट भी ट्राई कर लेते हैं इन केस आपको फोन कॉर्नर से गिरता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 feet हाइट, नोप, परफेक्टली ओके। इस साइड से भी ड्रॉप करते हैं कॉर्नर से, यहाँ से अ बिट ऑफ डेंट फ्रॉम हियर, बट परफेक्टली वर्किंग। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 feet से ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगेन इंपैक्ट फ्रॉम हियर, वन डेंट, अनदर डेंट, 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 डेंट। कैमरा साइड, मेजर इम्पैक्ट, वो यहाँ से टॉप से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, बट अगेन कोई दिक्कत नहीं।
बैक पैनल फोन परफेक्टली वर्किंग. ऑलराइट, नाउ लास्ट सेकंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट रियर साइड अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट हाइट से. ओके, 3, 2, 1. Ooh, perfectly. Okay. No damage and front display also okay. No damage with the shock. Okay. Last drop test, 5.5 feet high. Okay. Here we go. World's most durable class. 3, 2, 1. Kya lagta hai? Ooh, surprisingly, it's very durable. एक क्विक अपडेट गाइस, मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स हो चुके हैं हमें कंप्लीट टेस्ट परफॉर्म किए हुए. एंड आफ्टर द ड्रॉप टेस्ट फोन परफेक्टली वर्किंग, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है. लेकिन कुछ डिस्प्ले में इश्यूज आई हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है. अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान से देखेंगे, यू नो जिस पोर्शन पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स नज़र आएंगे, यू नो लाइक ग्रीन डॉट और कुछ ऐसे यहाँ पे डॉट्स हैं. लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैप्स में, तो बहुत से प्लेसेस में आपको यहाँ पे कुछ फिक्स परमानेंट से डॉट्स से दिखेंगे. सो मे बी मैं आपको मैक्रो में दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो ये पॉसिबली ड्रॉप टेस्ट से हुआ है. चूँकि ये एमोलेड डिस्प्ले है, देन डेफिनेटली हो सकता है ड्रॉप करने से कुछ पिक्सल शायद वहाँ पर डेड हो गए हों और ये परमानेंट से डैमेज हो गया. अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये स्प्रेड होगा नहीं होगा, बट इट्स वेरी माइनर. और पिछले कुछ घंटों से ये ऑलमोस्ट उतने ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ड्रॉप्स हैं, बहुत माइनूस हैं. सो दैट्स एन अपडेट. सो इवन दो ये ग्लास बहुत ही ड्यूरेबल है, बच्चों की एमोलेड डिस्प्ले है, सो शॉक से मे बी डिस्प्ले में कुछ डैमेज हो सकता है. सो डेफिनेटली आपको कुछ शॉक प्रूफ केस यूज़ करना पड़ेगा. सो दैट्स इट गाइज फॉर द आईफोन 13 ड्यूरेबिलिटी एंड द ड्रॉप टेस्ट.